देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। फाल्गुनी उत्सव पर श्याम भक्त मंडल द्वारा आयोजित होगी 2 दिवसीय निशान शोभा यात्रा। महिलाओं द्वारा 56 भोग कार्यक्रम के साथ साथ कोलकाता के कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका की होगी विशेष प्रस्तुति। खाटू श्याम मंदिर भागलपुर में श्री श्याम भक्त मंडल एवं श्री श्याम भक्त न्यास के संयुक्त तत्वावधान में 3 मार्च और 4 मार्च को फाल्गुनी उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 मार्च को प्रातः 8 बजे निशान शोभा यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह निशान शोभा यात्रा गौशाला प्रांगण से निकलकर कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, खलीपा बाग चौक होते हुए पुनः खाटू श्याम मंदिर में समर्पण होगी। उसके बाद नवगछिया एवं गोड्डा के भक्तों द्वारा निशान समर्पण किया जाएगा। तत्पश्चात संध्या कालीन आरती की प्रस्तुति होगी। वहीं 4 मार्च को महिला भक्तों द्वारा 56 भोग का विशेष कार्यक्रम सभा मणि भंडारा प्रसाद और कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा भव्य नृत्य नाटिका का कार्यक्रम रखा गया है। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधन न्यासी प्रभात केजरीवाल, अध्यक्ष रोहित झुनझुनवाला, महासचिव सुरेश कुमार मेहता, संयोजक नीलेश कोटीवाला, कपिल जैन, बाल कृष्ण, किशन गोयल के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी हम लोग फाल्गुनोत्सव श्री श्याम भक्त मंडल और श्री श्याम भक्त मंडल न्यास के तत्वाधान के अंदर 3 मार्च को 4 मार्च को पिछले 50 वर्ष से हम लोग जो करते आ रहे हैं, इस बार भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। हमारे इसके अध्यक्ष हैं श्री रोहित जी झुनझुनवाला, महामंत्री हैं हमारे सुरेश जी मोहता और संयोजक गण हैं श्री नीलेश जी कोठरीवाल के नेतृत्व में। उनके जो 3 संयोजक गण हैं श्री गोयनका जी, किशन गोयनका जी, श्री बबली जैन जी और श्री अशोक बालकृष्ण जी मावंडिया और हमारे कर्मठ सदस्य सभी मिलके, और आपको हमारे प्रोग्राम की जानकारी हमने इस माध्यम से दे भी दी है, जो आपको एक लीफलेट हमने आपको संलग्न किया आपके रिपोर्ट के चलते, उसमें देखेंगे हम। और हम भागलपुर की संपूर्ण जनता, हमारे भागलपुर के समूचे भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य, आप कल से जो एक उत्सव का आगाज होगा वो बसंतोत्सव, ऐसा पूरा भागलपुर में लगेगा कि आपको श्री श्याम घर घर के अंदर में आ गए हैं। और कल उसकी विचारधारा और पूरे प्रोग्राम को सुबह 8 बजे से हम प्रस्थान करेंगे श्री गौशाला से, और 2000 से करीब 2500 की महिला भक्त, पुरुष भक्त, बच्चे, बुजुर्ग सब 1,00,000 साथ में लेके निशान लेके चलेंगे। स्टेशन चौक होते हुए वैरायटी चौक होके श्री श्याम प्रभु को हमारी ये मजरोजा इंडस्ट्री जो मंदिर है उस मंदिर में चढ़ाएंगे। सो में श्री खाटू श्याम मंदिर भवन मजरोजा द्वारा आयोजित जो होता है, इसमें सर्वप्रथम 11 यानी 3 मार्च के दिन 8 बजे गौशाला से निशान शोभा यात्रा निकलेगी, जो नगर भ्रमण करते हुए मंदिर में आके बाबा को निशान सारे भक्त चढ़ाएंगे, वो कार्यक्रम लगभग 11:30-12 बज जाएंगे। इसके बाद इसी क्रम में हमारे नवगछिया से निशान आएंगे, वो लगभग 4:30-4 बजे तक बाबा को निशान चढ़ाएंगे। इसके बाद गोड्डा वाले भक्त निशान लेके आएंगे, जो परसों ही प्रस्थान कर चुके हैं गोड्डा से, वो मान के चलिए लगभग 6 बजे तक बाबा को निशान चढ़ाएंगे। इस निशान चढ़ाने के कार्यक्रम के बाद अपना 24 घंटे का अखंड ज्योति पाठ का कार्यक्रम होता है, जिसकी ज्योत जगेगी 8 बजे, पक्का घड़ी देख के 8 बजे बाबा की ज्योत जगती है, 24 घंटे की अखंड ज्योति उसको कहते हैं। और ये कार्यक्रम 4 मार्च को चलेगा रात्रि 8:30-8:30 बजे तक। इस बीच 4 तारीख को प्रातः भजन कीर्तन तो होगा ही, इसके साथ साथ दोपहर 12 बजे हमारे लोग की महिला भक्तों द्वारा एक 56 भोग का कार्यक्रम होता है, जो काफ़ी मनमोहक और मनभावन होता है। इसमें महिलाएं अपना चढ़कर भाग लेती हैं और अपना प्रसाद वितरण करती हैं। ये प्रसाद वितरण के बाद बाबा का सवा मणि का भंडारा होता है।